वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप में से काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं इसलिए मुझे पता चलता है कि आप लोगों में ये कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न ये है कि हम लेंसेज को कब तक यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रांडेड लेंस, चाहे वो क्रिसाल हो चाहे वो जाइस हो, उसको हम कितने साल या फिर कितने दिन यूज़ कर सकते हैं कि वो ख़राब ना हो, अगर हम उसकी अच्छे से केयर करते हैं। मान लीजिए आपने अपने लेंस को अच्छे से संभाल के रखा है, उस पर किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच नहीं आया, उसकी कोटिंग वगैरह नहीं हटी है, तो आप उसे कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये कन्फ्यूज़न आपकी आज इस वीडियो में दूर की जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले, ताकि क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके नंबर के चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। गाइस, सबसे पहले ये एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यार उन्हीं लोगों को चश्मा पहनना ज़रूरी है जिनका नंबर है, बट ऐसा नहीं है। सभी लोगों को चश्मा पहनना ज़रूरी है, जो लोग टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल का यूज़ करते हैं उन लोगों को। स्पेशली अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते तो उस टाइम पे ना पहने जब आप इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे। लेकिन जब इन चीज़ों पर काम कर रहे हो आप, जैसे कि मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आपको चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको चश्मा हमेशा ना पहनना पड़े। देखिए होगा क्या कि जब आप इन चीज़ों पर काम करते हो तब भी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली आई को लेकर के और सर दर्द, हेडेक वगैरह ऐसी चीज़ों को लेकर के, आँखों की प्रॉब्लम्स को लेकर के। जब कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल पर काम करते हो उस दौरान सबसे ज़्यादा ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो उसी से बचाव के लिए, उसी से प्रोटेक्शन के लिए हमें चश्मा पहनना है, ताकि हमें बाकी टाइम चश्मा ना पहनना पड़े। जैसे कि हम कहीं घूम रहे हैं या फिर हम कंप्यूटर, पीसी, मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे, उसके बाद हमें चश्मा ना पहनना पड़े। देखिए, अगर आप उन चीज़ों पर चश्मा पहनते हैं तो हो सकता है आपका नंबर ना आए, आपकी आँखें सही सलामत रहे, प्रोटेक्शन मिले अच्छा खासा, और आपकी आँखों में नंबर ना आए। और जब आपकी आँखों में नंबर नहीं आएगा तब आपको इन चीज़ों के अलावा दूसरी जगहों पर चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पर चश्मा नहीं पहन रहे, एक अच्छा ब्लू कट या फिर ब्लू फिल्टर जैसा लेंसेस लगवा करके चश्मा अगर इन चीज़ों पर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका नंबर आएगा और आपको हर दिन चश्मा पहनना पड़ेगा। वो आपकी मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ देखनी है सामने, तो जब तक आपका नंबर है तो आप बिना नंबर के नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए भी आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। इस चीज़ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, चाहे आप कोई सी भी सर्जरी करा लो, कोई सा भी ऑपरेशन करा लो, लेकिन फिर भी आपको चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है, 5, 6, 7 या फिर उससे भी ज़्यादा आप अगर मानते हो, तो आपका वो नंबर है, आपने सोचा कि नहीं यार मैं तो ऑपरेशन कराऊँगा, चश्मा वश्मा नहीं पहनूंगा, चश्मा पूरी तरीके से हटवा लूँगा। चश्मा हटवाने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि फिर से आप ऑपरेशन करवा लिया आपने, थोड़े दिन आप रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से उठ के आएंगे और फिर से अपना काम शुरू करेंगे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर। उसके बाद क्या होगा? फिर से आप अगर चश्मा नहीं लगाते हैं उस चीज़ों पर, अच्छा ब्लू प्रोटेक्शन या फिर अच्छा ब्लू फिल्टर चश्मा यूज़ नहीं करते हैं, फिर से आपका नंबर आएगा, फिर से आप सर्जरी कराओगे। इस तरीके से तो आपकी आँखें बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ की कुछ झेलने की लिमिट होती है। आपकी आँखों को भी सर्जरी झेलने की एक लिमिट है, आप बार बार ये चीज़ नहीं करा सकते हैं। तो इससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन चीज़ों पर आई प्रोटेक्शन यूज़ करें। सिंपल सी बात है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि लेंसेस कितने दिन तक यूज़ किए जा सकते हैं, आखिर लेंसेस की एक्सपायरी क्या होती है। वैसे तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं मिली। देखिए, सिंपल सी बात है, आप मुझे लेंसेस के बारे में हमेशा कमेंट करते हैं कि भाई ये लेंस है और हम इसे कितने दिन यूज़ कर सकते हैं, कितने दिन तक इसे चला सकते हैं। ये चीज़ आप मुझसे फ्रेम के बारे में क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपको पता है कि फ्रेम, सिंपल सी बात है, जब तक फ्रेम चल रहा है तब तक आप उसे चला सकते हो, जिस दिन वो टूट गया उसके बाद आप नहीं चला सकते। लेंसेज का भी कुछ ऐसा ही है। वैसे अगर देखा जाए तो 1 साल से 1.5 साल तक आम लेंसेज को आप चला सकते हैं, और जो अच्छे लेंसेज आते हैं, ब्रांडेड लेंसेज आते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उनको आप 1.5 से 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोगों की, 70% लोगों के 6 महीने में नंबर चेंज हो जाते हैं। हर 6 महीने में नंबरों में चेंज आता है, किसी का नंबर बना हुआ रहता है, किसी का नंबर स्थिर रहता है, मतलब उसका नंबर चेंज नहीं होता, वही का वही रहता है, ना तो घटता है ना बढ़ता है।
लेकिन 70% ऐसे लोग होते हैं जिनका या तो नंबर बढ़ जाता है 6 महीने में या फिर कम हो जाता है, मतलब कि नंबर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर आपको लेंसेज भी चेंज करने ही पड़ते हैं। अगर हम बात करें लेंस की एक्सपायरी को लेकर के, कैसे पहचाने कि आप उसको यूज़ करने लायक आप नहीं रहे, वो लेंस आपके यूज़ करने लायक अब नहीं रहा है। साल से 1.5 साल में अगर आम लेंस है तो वो, अगर फाइबर लेंसेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ग्लास वाले कांच वाले लेंसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइबर लेंस में पीलापन आ जाता है, मतलब कि जो नया लेंस होगा अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो जो पुराना आपका लेंस है जिसको साल से 1.5 साल हो गया है वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो साल से 1.5 साल में ही पीला पड़े, मान लीजिए आपको काफ़ी पुराना लेंस दिया गया है शॉप से उठा करके या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपने ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया है, उनके पास पहले से पड़ा हुआ था, काफ़ी पुराना था, सही तरीके से उसको नहीं रखा गया था, तो अगर वो लेंस आपको लगा करके दिया जाता है तो उसमें जल्दी जो है पीलापन आ जाएगा। पीलापन से मेरा मतलब है कि लेंस पीला पीला होने लग जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा आपका जो लेंस होता है पूरा वाइट होता है, लेकिन उसमें जब पीलापन आने लगता है तो समझ लीजिए कि वो लेंस अब आपके यूज़ करने लायक नहीं है, आपको वो लेंस चेंज करा लेने चाहिए। दूसरी चीज़, ये तो एक्सपायरी थी, ये जो चीज़ पीलापन जो मैंने बताया ये उस टाइम का है जब आपकी कोटिंग भी सही सलामत है, आपके लेंस पर स्क्रैच भी नहीं है, उसके बाद साल से 1.5 साल में ये चीज़ आ जाती है लेंस पर, उस टाइम पर आपको लेंस चेंज करा लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ भाई कि आपकी मर्ज़ी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने इतने पैसे दिए नहीं मैं इसको कैसे फेंक सकता हूँ, भाई आंखें प्यारी है या पैसे प्यारे हैं ये चीज़ देखो पहले। तो ये तो होगी लेंस की एक्सपायरी कि कब तक आप उसकी लास्ट उसको निचोड़ करके कब तक उसको आखिरी दम तक यूज़ कर सकते हैं, वो वाली चीज़। उसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें लेंसेज चेंज करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा नंबर चेंज हो गया हमें लेंस चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है अगर लेंस की कोटिंग ख़त्म हो जाती है, अगर आप नहीं जानते कि लेंस की कोटिंग क्या होती है तो इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप सर्च कीजिएगा सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस चैनल पर। तो अगर आपकी लेंस की कोटिंग ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको लेंसेज चेंज करवा लेने चाहिए, क्योंकि जो भी आई प्रोटेक्शन होता है वो कोटिंग में होता है, लेंस में नहीं होता, कोटिंग में होता है। तो अगर कोटिंग ही ख़राब हो गई है तो फिर प्रोटेक्शन नहीं बचा उसमें, तो लेंसेज को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आपको अपने लेंसेज चेंज करा लेने चाहिए। तीसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा अगर उसमें स्क्रैचेज हो गए तो उस कंडीशन में भी आप उससे क्लियर देख नहीं पाएंगे, और जब क्लियर दिखेगा नहीं तो फिर उसे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उस कंडीशन में भी आपको अपने लेंसेज चेंज करा लेने चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि भाई अगर हमने लेंस को अच्छे से रखा, संभाल कर यूज़ किया, ना तो उस पर स्क्रैचेज आए ना उसकी कोटिंग गई, तो हम उसे कब तक यूज़ कर सकते हैं, और ना हमारा नंबर चेंज हुआ तो हम उसे कब तक यूज़ कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब तक कि आपका लेंस पीला ना हो तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नंबर चेंज नहीं हुआ, अगर लेंस पर स्क्रैचेज नहीं है, बहुत सारे हल्के फुल्के हैं तो चल जाता है, अगर बहुत सारे नहीं हैं और साथ ही साथ अगर लेंस की कोटिंग ख़राब नहीं हुई है तो आप उसे, जब तक कि वो पीला ना हो जाए तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और एक दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।